नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए अल्फा और बीटा जो कह रहा है एक पॉलिनोमियल आपके पास दे दिया, इसका रूट्स है, इसका जीरोज है। तो कह रहा है सच दैट, जहां पर एक रिलेशन दे दिया, देखिए यहां पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन, तो फाइंड दी वैल्यूज ऑफ के, आपको पूछ रहा है के का वैल्यू बतलाना है, किसका वैल्यू बतलाना है बताइए क्वेश्चन में, के का वैल्यू बतलाना है। तो देखिए फिर वही बात, हम क्या बोले थे जेंटलमैन कि जब भी क्वेश्चन आपके पास जो भी दिया गया है उस क्वेश्चन को आप गिवन करके जो भी क्वेश्चन उसको आप फाइंड कर रहे हैं उसको आप लिख लेंगे। जैसे फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, तो यहां पर जेंटलमैन गिवन करके सबसे पहले जो क्वेश्चन उसको लिख लीजिए, पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स या पी एक्स जो भी है उसको आप लिख लीजिए। क्या है जेंटलमैन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस क्या कह सकते हैं ठीक। जब भी बोला जेंटलमैन कि अल्फा और बीटा इसका जीरोज, हम कई बार बोले हैं कि क्वेश्चन में जिक्र कर दिया कि अल्फा और बीटा जीरोज है, तो आप फट से क्या कर लेंगे इस दोनों जीरोज के बीच का जो भी रिलेशन है उसको आप पहले लिख लेंगे, मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच का जो भी रिलेशन उसे आप फाइंड कर लेंगे ठीक। तो क्या लिखेंगे बताइए, तो कि सर जब भी अल्फा और बीटा इसका रूट है तो हम पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई है, तो माइनस बी मीन क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशियंट माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर कोफिशियंट वन, कुल मिलाकर कितना हो गया थ्री। और अगर इसी में आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे, सपोज दैट मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया के बाई ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, तो कुल मिलाकर हो गया के। दो रिलेशन यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दो कंडीशन था, उससे दो रिलेशन हम लोग फाइंड कर चुके एकदम इजिली और आसानी से फाइंड कर ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा भी। जेंटलमैन देखिए क्वेश्चन बोला एक पॉलिनोमियल दे दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, इसका अल्फा और बीटा दो जीरोज है, जहां पर दे दिया आपके पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है वन, अल्फा माइनस बीटा कितना है बताइए वन। सुनेंगे जेंटलमैन फिर से हम एक बार अलजेब्रा का क्लास 8-9 का एक फॉर्मूला आपको अपडेट करना चाहेंगे, आप देखते रहिए बोर्ड पे, आप पढ़े होंगे कि सर सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 4ab, ये क्लास 9th का है। फिर भी जिन कैंडिडेट को नहीं ध्यान में है कि कैसे होता है तो आइए उनको हम समझा देते हैं कैसे होता है। तो देखिए यहां पे जिसमें जैसे इसका एलएचएस पार्ट उठाते हैं आप क्या बोलेंगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या रहेगा फॉर्मूला जेंटलमैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए। अब बताइए जैसे इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू ए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, जिसमें टू ए बी प्लस टू ए बी कितना ए बी फोर ए बी ना। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फोर ए बी होता है। इसको आप आज के बाद गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह खूब बढ़िया से इसको याद रखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी ठीक है, इसको लिख लीजिए क्योंकि वहां से हम एक नए फॉर्मूला का कंडीशन यूज करेंगे ठीक है ना। देखते रहिए बोर्ड पर जेंटलमैन, ये हो गया, ये रफर था तो आपको इस समझा दिया, इसको हटा देते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना ठीक है ना। जेंटलमैन बताइए तो यहां पे बोर्ड पर देखते रहिए, बोलिए तो आप लिखेंगे कि सर सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यहां पर बताइए, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बताइए तो क्या बताए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ही जगह पर डालेंगे अल्फा और बी के प्लेस पे बीटा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का इक्वल टू क्या रहेगा फोर ए बी, तब फोर ए के प्लेस पर अल्फा और बी के प्लेस पर कितना है बीटा। फिर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी। अब जेंटलमैन देखिए यहां पर जहां जो वैल्यू उसको चुपचाप डाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला यहां देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है थ्री, तो डाल देंगे यहां पर थ्री का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा। जेंटलमैन ये देखिए ये क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया, देखिए हम गोल घेर दिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है वन,
तो जहां अल्फा माइनस बीटा वहां चुपचाप डाल देंगे वन इक्वल टू फोर अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कितना, यहां देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है के, तो आप डाल देंगे। कहीं भी दिक्कत होगा कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, ठीक। मतलब थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री थ्री जा माइनस वन का स्क्वायर वन इक्वल टू कितना रहेगा फोर इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे नाइन माइनस वन एट, एट इक्वल टू कितना रहेगा फोर इंटू, कैंसिल करेंगे फोर से कितना रहा इसमें टू, तो फाइनली आप क्या बोलेंगे सर के का वैल्यू कितना हो गया। तो यही क्वेश्चन कर रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू बतलाना था, के का वैल्यू कितना आ गया क्वेश्चन में, क्लियर है। इसको पहले फटाक से समझ करके अच्छी तरह नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरह। चलिए जेंटलमैन, इस लेक्चर में हम क्या किए कि लेक्चर टू था आपका ये, कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीनोमियल का जो भी बेसिक थ्योरी था उस पर डिस्कस किए थे, लेक्चर टू में हम लोग नॉर्मल लेवल से बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट उस पर डिस्कस किए, फिर क्वेश्चन में अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट भी फाइंड किए हैं, और आखिरकार लैम्डा या के का वैल्यू जो फाइंड करना था उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे फिर नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक इक्वेशन की ओर भी कदम बढ़ेंगे, तो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना बना लीजिएगा, और इस थ्योरम जो भी आपको पढ़ाया गया था उसके एप्लीकेशन पर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।